नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे आर्टिकल 14 को, विधि के समक्ष समता का सिद्धांत क्या है। आर्टिकल 4 क्या कहता है? हमारे संविधान में कहा गया कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं इस लाइन का कहने का मतलब क्या है। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि विधि का शासन होता क्या है, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ। अब विधि के समक्ष समता का जो विचार था वो एवी डाइसी के द्वारा दिया गया था, और डाइसी का वही सिद्धांत विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। इसमें मोस्टली तीन बातें की गई। जो पहली बात की गई कि निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति, मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के अतिरिक्त दंडित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, जो विधि के समक्ष समता की बात है, अर्थात सभी नागरिक समान रूप से विधि के अधीन है। और तीसरा, संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, क्योंकि तो संविधान के उद्भव के पूर्व भी व्यक्तिगत अधिकार अस्तित्व में थे। अब भारत में इसके पहले और दूसरे सिद्धांत तो लागू होते हैं, मतलब निरंकुश शक्ति की अनुपस्थिति वाला और विधि के समक्ष समता वाला। संविधान स्रोत नहीं बल्कि व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, इसको समझते हैं। चूंकि भारतीय प्रणाली में पहला और दूसरा तत्व ही लागू होता है डाइसी का, संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है, अतः यहां पर थर्ड वाला जो सिद्धांत था वो लागू नहीं होता। उच्चतम न्यायालय ने अपने बहुत सारे निर्णयों में आर्टिकल 14 के अंतर्गत विधि के शासन को संविधान के मूल ढांचे का एक अंग माना है। दो प्रकार की बात होती है, एक होती है विधि के समक्ष समता की और दूसरी होती है विधियों के समान संरक्षण की। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझने की बात करते हैं कि विधि के समक्ष समता, इसका मतलब है कि सभी नागरिकों को विधि के समक्ष समानता का दर्जा दिया गया या ब्रिटिश परंपरा से दिया गया। क्योंकि इसकी जो प्रकृति है वो नेगेटिव है या नकारात्मक है, क्योंकि इसके तहत किसी भी विशेषाधिकार को स्वीकार नहीं किया गया। दूसरा आता है विधियों के समान संरक्षण का सिद्धांत, यह यूएसए के संविधान से लिया गया। इसका अर्थ क्या है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समान के साथ समान और असमान के साथ असमान व्यवहार किया जाए। समान संरक्षण का सिद्धांत असामान्य व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं और अवसर प्रदान करके राज्य द्वारा सकारात्मक कार्य किए जाने की अपेक्षा करता है, इसलिए यह एक सकारात्मक कॉन्सेप्ट है। अब एक केस था 1951 में, से बंगाल बनाम अनवर अली सरकारवाद था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि विधि के समक्ष समता, विधियों के समान संरक्षण दोनों का मतलब एक ही है। सैद्धांतिक रूप से इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर दोनों में कोई भेद नहीं। अब विधि के समक्ष समता के कुछ अपवाद हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष सिद्धांत, जो समता का सिद्धांत है, वो पूर्णतः निरपेक्ष कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें कुछ अपवाद है, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, है ना। इसके जो अपवाद है वो क्या है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को भारतीय संविधान के आर्टिकल 361 और 361A के तहत कोई केस चल रहा हो तो उसके विरुद्ध फ्रीडम दी गई, उन्मुक्ति दी गई। सांसदों और विधायकों को विधायिका में कुछ विशेषाधिकार दिए गए। सांसदों के लिए वो आर्टिकल है 105 और विधायिका, राज्य विधायिका जो विधानसभा वगैरह है उनके लिए आर्टिकल है 194, इनके तहत कुछ विशेषाधिकार दिए गए। विदेशी राजनयिकों को भी कुछ फ्रीडम दी गई। तो ये सभी आर्टिकल 14 को एब्सोल्यूट नहीं बनाते, ठीक है। ये इसलिए भी नहीं है ताकि थोड़ा सा राष्ट्रपति और राज्यपाल को बार बार विवादों का सामना ना पड़े। सांसद और विधायक को कुछ विशेष अधिकार दिए गए ताकि वो अपने कार्यों को थोड़ी स्वतंत्रता के साथ कर सकें, हैं, संसद में वो अपनी बात को कह सकें। ऐसा नहीं देखना चाहिए कि वो किसी अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं बात करते हुए, वो अपने तथ्यों को रख सकें, है ना, अपने लोगों की बात कह सकें, उससे डरे नहीं। विदेशी राजनयिकों को, जो हमारे एम्बेसडर वगैरह होते हैं या बाहर के फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, उनको भी कुछ फ्रीडम दी गई है। हम लोग इसकी बात करेंगे आगे बहुत डिटेल में। कुछ केसेस अभी ऐसे हुए थे, भारत सरकार के भी एक राजनयिक थे बाहर, उनकी हम लोग बात करेंगे। अब आर्टिकल 14 चाहे वह भारतीय नागरिक हो, विदेशी हो, या यहाँ तक कि कोई कंपनी हो, जैसे कोई या फिर कोई लॉ ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, सभी को समानता का अधिकार दिया गया। साथ ही यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध ही उपलब्ध है। अगर राज्य के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी उपलब्ध है, और अगर कोई दूसरा आपके साथ कोई
ला का उल्लंघन कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर दे रहा है, कोई किसी की जमीन छीन ले रहा है, तो वहां पर भी ला आपकी हेल्प करेगा। और अगर राज्य आपके साथ ये कर रहा है तो भी कानून आपकी हेल्प करेगा, उसके लिए आप कोर्ट में जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल 14 जो विधि के समक्ष समानता का अधिकार है और इसके जो अपवाद हैं वो आपको समझ में आए होंगे। नमस्कार।